कोरोना महामारी लगातार खात्मे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। मुरादाबाद जनपद में एक और खुशी की खबर सामने आई है। मुरादाबाद शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत बुद्ध बाजार चौकी स्थित दुर्गा मंदिर वाली गली में रहने वाले डॉक्टर भास्कर अग्रवाल अपने ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। आखिरकार कई दिन के इलाज के बाद उन्हें स्वस्थ होकर उनके घर भेजा गया। जैसे ही वो अपने घर के लिए रवाना हुए तो स्थानीय निवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलों की वर्षा से सभी दुर्गा मंदिर वाली गली में रहने वाले लोगों ने उनकी खूब हौसला अफजाई की। सिटी चैनल से बात करते हुए डॉक्टर भास्कर अग्रवाल ने कहा, मुरादाबाद में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ रहे थे और लगातार अब ठीक होकर लोग अपने घरों को भी पहुंच रहे हैं। मुरादाबाद के लिए खुशखबरी की बात यह है कि मुरादाबाद के कोतवाली अंतर्गत बुद्ध बाजार में दुर्गा मंदिर में एक गली है जहां पर डॉक्टर भास्कर अग्रवाल रहते हैं, जिनकी ड्यूटी IFTM में क्वारंटाइन सेंटर में लगी थी, जिसके बाद वो किसी के संपर्क में आए, वो कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे थे। उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उपचार के दौरान वो ठीक होकर वो अपने घर को वापस लौटे हैं। इस समय खुशखबरी की बात यह है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। साहब कितने दिन वहाँ रहे और आपने वो कोरोना की आज जंग जीती है, कैसा महसूस कर? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये जो एक बीच का समय था, ये मेरे लिए एक मानसिक अपसेट का टाइम था। इसमें मेरे स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों और मेरे घर के लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, आपकी ड्यूटी लगी थी, किसके संपर्क में आप? मेरी ड्यूटी IFTM क्वारंटाइन सेंटर पे थी और वहाँ पर जो लोग थे वो सभी सस्पेक्ट थे उस टाइम पर, और उनका परीक्षण के लिए सैंपल भेजा गया था जो बाद में पॉजिटिव पाया गया था। आज आप कोरोना की जंग जीत चुके हैं, अपने परिवार में आए हैं, कैसा स्वागत हुआ पूरे क्षेत्र में? क्षेत्रवासियों ने मेरा बहुत अधिक स्वागत किया और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि उन लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया। डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पेशा एक बहुत महत्वपूर्ण पेशा है आज के समय पे, तो आगे माना जाए कि अपनी सेवाओं को लेकर आगे खड़े होंगे? बिल्कुल, मैं आगे खड़ा रहूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि मैं इस जंग में जो भी जिसका भी सहयोग कर सकूं वो करता रहूं लगातार। मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में और डॉक्टर प्रशासन कैसा सहयोग रहा? मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में बहुत अच्छी व्यवस्था रही, तीनों समय का खाना, तीनों समय डॉक्टर्स की केयर, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और सभी जो सुविधाएं की गई हैं वो पेशेंट को देखते हुए की गई हैं, जिससे उसे कोई भी असुविधा ना हो। कुल मिलाकर जो कहा गया था कि खाना बढ़िया नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, इन बातों पर कोई मायने नहीं? देखिए, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हर जगह होती है। अगर ऐसे हम घर के भी खाने की बात करें तो किसी दिन अच्छा होता है, किसी दिन थोड़ा 19 भी होता है, लेकिन अगर कुल मिलाकर सुविधाओं को देखा जाए तो ऐसी सुविधाएं कई बार हम घर में भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं जैसी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। धन्यवाद। डॉक्टर भास्कर अग्रवाल की धर्मपत्नी मेरे साथ है, कैसा महसूस कर रही हैं आज पति जेब आपके घर वापस आ गए, सुरक्षित आ गए, स्वस्थ होकर वापस आ गए? इस महामारी के दौरान उन्होंने एक जंग जीती है। आज हम लोग बहुत ही खुश हैं कि ये वापस अपने घर आ गए हैं और सब गली वालों ने भी बहुत अच्छा प्रोत्साहन करा है, सबने मनोबल को हमारे बढ़ाया है, सबने बहुत ही साथ दिया हम लोगों का इस दौरान में, इसलिए सबका धन्यवाद करते हैं। इस समय आप क्या अपील करना चाहेंगी, क्योंकि आप इस दौर से गुजरी हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगी जितने भी मुरादाबाद के? घर में रहें और स्वस्थ रहें और सेफ रहें। डॉक्टर साहब की वाइफ ने बताया कि वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारी बातें यहाँ बताई हैं। तो हम भी ये चाहेंगे कोरोना महामारी के जंग में सब लोग घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और अपने इस महामारी के खात्मे के लिए प्रशासन और सरकार का सहयोग करें। डॉक्टर साहब को मेरी बहुत बहुत बधाई कि वो कोरोना की जंग को जीतने के बाद अब घर में आए हैं और अब प्रशासन द्वारा उनको कुछ समय के लिए घर में क्वारंटाइन भी किया गया होगा कि वो सुरक्षित रहें। उसके बाद उनका ये कहना है कि मैं स्वस्थ होने के बाद एक बार फिर समाज की और देश की सेवा करने के लिए आगे रहूंगा। अपने सहयोगी आलम अब्बासी के साथ काशिफ खान, सिटी चैनल, मुरादाबाद।